ठीक है, पूरा टॉपिक इतना बड़ा है, कहाँ तक हम जाएं, इतना सारा टॉपिक है, कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लूँगा इसमें, जिसमें आप सभी को ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं से लिंक्ड है इसमें। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ उसमें कि भारत में वोट देने का एज क्या है, तो आप जो है 100% आंसर देंगे, आप जो है 100% आंसर दें। लेकिन अगर मैं कहूँ वोट देने का एज 18 ईयर्स कब किया गया, तो 50% लोग आंसर देंगे। और मैं पूछूंगा इसमें कि वोट देने के एज को किस संविधान संशोधन से बदल दिया गया, तो 5 से 10% लोग आंसर देंगे। तो एक ही क्वेश्चंस के कितने सारे आंसर्स बनेंगे। तो अब ये क्वेश्चंस को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप मेरे को कितने लोग बता सकते हैं कि भारत में भी वोट देने की, हम वोट डालते हैं ना सांसद और विधायक में, चुनाव में वोट डालते हैं, तो कितने लोग जानते हैं कि हाँ मेरे को पता है वोट कितने एज में देते हैं, कितने एज में देते हैं, 18 एज में। अब दूसरा क्वेश्चन का स्टेज में जाते हैं, 18 साल वोट देने का एज कब बनाया गया, इसके लिए कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करिए। देखिए अब कैसे क्वेश्चंस बढ़ रहा है, एक ही क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। भारत में 18 साल एज देने का, वोट देने का जो एज था वो कब बनाया गया था, अभी एक ही ने हाथ खड़ा किया। चलिए तो अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और वोट देना तो बहुत भारी चीज़ है ना भाई, सभी को पता होना चाहिए। तो देखेंगे जरा वोट, भारत के संविधान में 21 साल वोट देने की एज रखी गई थी। आप सुन लो पहले, तो खाली लिखने के मतलब पीछे पड़े थे, कितना लिखोगे तुम, किताब दिया हमने तुम्हें इसमें। भारत में वोट देने के लिए कितना साल का एज है, कितने ईयर्स का स्लैब है, 21 ईयर्स का स्लैब है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में जो है 1988 में राजीव गांधी की सरकार थी, जिसने कि 61 अमेंडमेंट में 21 ईयर्स को घटाकर 18 ईयर्स कर दिया। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, जरा दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। भारत में मूल संविधान में इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एज ऑफ कास्टिंग वोट वॉज 21 ईयर्स, बट लेटर इन 1988 थ्रू 61 अमेंडमेंट, 61 संविधान संशोधन में, जो कि राजीव गांधी का काल था, उसमें 21 साल को घटाकर 18 साल कर दिया गया। क्लियर, यहाँ से आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि सभी को कुछ ना कुछ मिल